हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप लोग अभी देख सकते हैं मैं अभी टी एस रहमान का जो वेबसाइट है वहाँ पे हूँ। तो बता दूँ कि अगर आपको जीएमई के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए एंड टी एस रहमान पे अगर आपको एडमिशन चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अगर आपका एडमिशन हो जाता है फिर आपको प्लेसमेंट स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा, ठीक है। तो जीएमई मतलब ग्रेजुएट इन मेरिन इंजीनियरिंग, उसके लिए अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4-4 साल का जो बीटेक कोर्स अगर आप वो किए हुए हैं तो फिर आप जीएमई कोर्स कर सकते हैं। तो अगर आपको टी एस रहमान से अगर आपको जीएमई कोर्स करना है तो इनका फॉर्म अभी अवेलेबल है, जिसका लास्ट डेट अगस्त में है, 7 अगस्त। तो मैं अभी दिखाऊंगा कि आप इसका फॉर्म क्या कहाँ से मिलेगा, आप किसको इसका फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो आप जब बस गूगल पे जाके आप बस टाइप करेंगे tsrahman.org। तो आप जैसे टाइप करेंगे आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा, यहाँ पर बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो देखिए, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। जिस पे क्लिक करेंगे आप पहुंचेंगे एक नए पेज पे। ये देखिए, ये 1 साल का कोर्स होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्स ड्यूरेशन 12 मंथ्स, फीस आपका 5.4 लाख है, ठीक है। बाकी आपका रूल्स क्या, करियर पाथ है, देखिए करियर पाथ आपको यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, आपको देख सकते हैं, ठीक है। 12 महीने का आपको कोर्स करना पड़ेगा, फिर आप एज जूनियर इंजीनियर जहाज़ पे ज्वाइन करेंगे, फिर आपको फिर क्लास 4 एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। देखिए एमयू क्लास 4, तो आपका जो 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 पूरा स्टेप है एकदम चीफ इंजीनियर बनने तक पूरा स्टेप आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी भी देखिए, एक बार चेक कर लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए, वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी अप्लाई करने के लिए देखिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा बुक नाउ ऑप्शन पे, बुक नाउ। तो देखिए, अब देखिए जो नंबर 3 ऑप्शन है, ठीक है, देखिए लिखा हुआ है 1 ईयर प्रीसी ट्रेनिंग कोर्स फॉर ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर्स, ठीक है। देखिए ड्यूरेशन, कोर्स का ड्यूरेशन आपका 1 साल का है, और इनका रजिस्ट्रेशन का डेट बहुत पहले खुला हुआ है, मतलब 1 जून डेट है, और क्लोजिंग डेट भी अभी भी आपका 7 अगस्त तक है। अभी भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। अगर आप फिल कर लिए हैं तो अलग बात है, और नहीं किए हैं और एक आप अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जीएमई कोर्स के लिए तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इनका एकेडमिक स्टार्ट होने वाला, इसका क्लास स्टार्ट होगा 1 नवंबर से। तो आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक टू अप्लाई पे, अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए अप्लाई पे क्लिक करने के लिए देखिए कुछ आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है। देखिए आपको इनका जो ऑनलाइन फीस है 700 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मतलब यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म में। फिर आपका एज नॉट मोर देन 28 ईयर्स होना चाहिए जिस दिन आपका क्लास शुरू होगा उस दिन। और रिलैक्सेशन भी है 5 ईयर्स का SC ST एंड 3 ईयर्स OBC के लिए, ठीक है। और आपका बी या फिर BTEC में मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो किया है उसमें आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, और आपका इंग्लिश में भी मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए क्लास 10th या 12th या फिर जो आपका डिग्री एग्जाम है उसमें। और देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए ओरिजिनल इंडियन पासपोर्ट इज कंपलसरी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट, ठीक है। तो आपके पास आपका इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। तो इसलिए मैं बहुत सारा वीडियो में बोल चुका हूँ ऑलरेडी, बनाया भी हूँ अलग से, कि अगर आप मर्चेंट में ज्वाइन कर के बारे में सोच रहे हैं तो आप अभी से पासपोर्ट बना लीजिए, ठीक है। और देखिए पार्ट टाइम और डिस्टेंस लर्निंग ऑन कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो अगर आप डिस्टेंस से अगर आप एक कोर्स किए हैं बीटेक तो उस टाइम पे ये नहीं अवेलेबल, मतलब आपको मतलब अप्रूव नहीं होगा, आपका ये जो कोर्स है कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपका अगर आप कंप्लाई करते हैं फिर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे आई एक्सेप्ट पे। तो देखिए अभी आपके सामने फॉर्म आ रहा है, देखिए यहाँ पे आपके यहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, एप्लीकेशन नेट तो ऑटोमेटिकली आ चुका है, ठीक है। फिर बाकी जो आपका इन्फॉर्मेशन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो देखिए स्टार मार्क किया हुआ है रेड स्टार मार्क, ठीक है, आपको फिल करना ही पड़ेगा। जो आपका रेड स्टार मार्क नहीं है आप फिल नहीं करेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। देखिए आपका वो डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेम, ये सब आप ठीक ठाक दीजिएगा, बिकॉज एक बार आप डाल देंगे फिर बाद में आप चेंज नहीं कर सकते सबको, ठीक है। फिर आप जैसे इस पर नेक्स्ट करेंगे फिर बाकी फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो आपका जो भी तो सब ये फॉर्म फिल नहीं किया है बट उसको पता नहीं है या फिर, तो उनको सब बता सकते हैं ताकि उनको थोड़ा हेल्प हो जाए, बिकॉज ये जीएमई का स्पॉन्सरशिप एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है करियर के लिए। बिकॉज अगर आपको एक अच्छा सा स्पॉन्सरशिप मिल गया मतलब आपका करियर सेट हो गया,
तो आपके जो भी दोस्त जिनको पता नहीं है उनसे वीडियो शेयर करके उनको हेल्प हो जाए। तो आज के वीडियो में इतना ख़त्म करता हूँ, टेक केयर एंड बाय।